एक साहब जो जनाब शहबाज शरीफ के लिए जाली पुलिस मुकाबले करते रहे आज मेरे साथ टेलीफोन पे मौजूद हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से फरार हैं। आबिद बॉक्सर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुशर्रफ। आबिद बॉक्सर साहब आपने खुदा को तो जान देनी है, अब कितनी देर आपने भागना, एक दफा सच बोल दें, आपने शहबाज शरीफ के कहने पर कितनी बार कत्ल की है? मुबशर भाई अगर आप दो मिनट की मुझे दे और जो ये मिनहाजुल कुरान में हुआ है मैं दो मिनट सिर्फ इस पे आज जो कहेंगे कलमा पढ़ के कहेंगे कि सच कह रहे हैं ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलामा ताहुल कादरी साहब को मारने का मुकम्मल मंसूबा एक हफ्ता पहले बना दिया गया जिसके अहम रुकन थे मारने वालों में उमर विर्क, शफीक गुजर जो SSP लाहौर रहा, फिर DIG लाहौर इन्वेस्टिगेशन रहा, फिर CCPO लाहौर रहा और उसके बाद उसका सगा भाई MPA न्यू लीग का। देखिए ईमानदारी और मेहनत का सिला तो डिफॉल्ट होने के बाद जन्नत में मिल रहा है, इनको तो इधर ही मिल रहा है। उसके बाद मेड इन चाइना ईमानदारों की लड़ी है, इसमें एक सीनियर अफसर फिट नहीं हो रहा था, उसका नाम था आईजी खान बेग। इन्होंने 4 या 5 रोज पहले एक मेड इन चाइना ईमानदार आईजी बलोचिस्तान मुश्ताक सुखेरा जो कि वहां भी आईजी लगा हुआ है, ये नहीं कि वो कोई OSD है, वहां पे आईजी लगा हुआ है और बलोचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपसे भूली हुई नहीं है। सिर्फ आप मुझे ये बता दें कि मुश्ताक सुखेरा ने एज ए टारगेट वहां पे क्या कारनामे ऐसे सर अंजाम दिए। मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दे दें प्लीज कि आपने शहबाज शरीफ साहब के कहने पे कितने कत्ल किए? मुबशर भाई एक बात आप पूरे वसूख के और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी पुलिस मुकाबले होते हैं ये चीफ मिनिस्टर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकते, नंबर वन। नंबर दो, मैं एक पुलिस मुकाबले का जिक्र आपको करता हूं, मैं SHO सब्जादार था। उस वक्त मुझे एक सीनियर अफसर ने बुलाया और क्लियर ये कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ का ये 5 बंदे सब्जादार में मरवाना चाहते हैं, ठीक है। मैंने इनकार किया, मेरे इनकार के बाद ये ड्यूटी उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड उमर विर्क की लगाई और वो उमर विर्क ने 5 सब्जादार में बंदे वो कत्ल किए मेरे सामने, मैं उस वक्त वहां पे SHO था। ये मैं पूरे वसूख के साथ कलमा पढ़ के कहता हूं कि वो जाली पुलिस मुकाबला था, वो कत्ल था। आपने भी तो किया कहीं, अपना बताए मुझे, आपने नहीं किए कहीं? और चीफ मिनिस्टर समेत आपने नहीं किया आबिद साहब कहीं कत्ल इस तरह से जाली पुलिस मुकाबलों में? बेशुमार, ये कोई भी पुलिस मुकाबला ऐसा जो जाली होता है ये चीफ मिनिस्टर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। मुबीन भट्ट को किसने मर्डर किया था जेल के अंदर? मुबीन भट्ट को उमर विर्क ने मरवाया था और ये भी चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ के हुक्म से मारा गया था, जबकि उसके खिलाफ। एक और छोटी सी आपको बात बताता हूं, मेरा सिर्फ जुर्म ये है मुबशर भाई, थोड़ा सा मेरा सिर्फ जुर्म ये है कि हमने बाग बुचा उमर शहबाज शरीफ को नहीं दिया था, इन्होंने मेरा मामा दुराने कस्टडी मरवा दिया, उमर विर्क ने ही मारा, दुराने कस्टडी मरवा दिया क्योंकि मेरे मामू ने बाग बुच्छा देने से इंकार कर दिया था, इन्होंने मेरे मामू को कत्ल करवाया और ये उमर विर्क ने कत्ल किया। खैर छोड़े, ये तो इल्जाम है ना, आप एक मनी और एक मिनट एक मिनट, ये तो आप अपनी वो पुलिस वाली दुश्मनियां पूरी कर रहे हैं ना कि आप एक SSP का या SP का नाम ले रहे हैं जिसकी जगह आप समझते आपको होना चाहिए, उसको छोड़ दें, मैं नामों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं आपने कितने कत्ल किए हैं जी CM के कहने पे? मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूं कि जितने पुलिस मुकाबले जाली होते हैं ये CM के ऑर्डर के बगैर नहीं हो सकते। आपने कितने किए? मुबशर भाई होता ये है कि सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन इतना सच मत बोलो कि बाद में अपनी जान छुड़ानी भी मुश्किल हो जाए। आपने कितने किए? मैंने बेशुमार पुलिस मुकाबले किए।
और वो अहकाम पे किए अपने सुपीरियर्स के। मैं बार बार फिर कोई एक पुलिस मुकाबला भी चीफ मिनिस्टर और अफसराने बाला के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। आबिद बॉक्सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ। ये थे जी आबिद बॉक्सर, साबिक पुलिस अफसर हमारे साथ थे। बकौल उनके उन्होंने भी कई जाली पुलिस मुकाबले अपने आला अफसरान खासतौर पर चीफ मिनिस्टर के कहने पे किए। मुझे